नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने का रेसिपी शेयर करेंगे। मेरे वेजिटेरियन दोस्तों, बुरा मत मानो, मैं साथ में वेजिटेरियन बिरयानी बनाने का रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। चावल को, बासमती चावल को 1 घंटा भिगो के रखें। उसके बाद एक पतीले में पानी डाल दें, उसमें तेजपत्ता, लौंग, इलायची, 2 अदरक के पीसेस, 2 लहसुन का स्ट्रैंड्स डाल दें। पानी जैसे उबल जाए उसमें चावल डाल दें। देखिए, बासमती चावल ये फूल के लंबाई में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। दूसरा, आलू हमने बॉईल करके रखा है, ये छिलके के साथ बॉईल किया था, अभी इसको पील करके ठंडा होने के लिए रखा है। एक छोटा सा कटोरी में हम नमक 1 टीस्पून और लाल मिर्ची 2 टीस्पून ले लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला मिक्सचर हम आलू में कोट कर देंगे। या तो स्प्रिंकल करके कोट करें या एक एक करके हाथ से कोट करें। ये देखिए, सारा हमने कोट कर दिया है, तवे पे तेल चढ़ा दिया है। अभी ये मसाला कोटेड आलू को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक। तो एक एक करके आलू हम तेल में छोड़ रहे हैं। तेल तो ये आलू ब्राउन होके रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हमने चिकन भी बना लिया है। चिकन के पीसेस बिरयानी में थोड़े बड़े होने चाहिए। वेजिटेरियन दोस्तों, आप चिकन की जगह यहाँ पे मशरूम यूज़ कर सकते हैं या सोया चंक यूज़ कर सकते हैं। ये बिरयानी मसाला है, इसको हम एक तवे पे ड्राई फ्राई कर रहे हैं। अभी ये ठंडा होने के बाद मिक्सर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद ये हमारा बिरयानी मसाला रेडी है। अभी एक कटोरी में हमने बरिस्ता लिया है, थोड़ा सा उसमें चीनी ऐड किया है और बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था उसको ऐड किया है। एक कटोरी में दूध लिया है, उसमें मीठा इतर और रोज़ वाटर डाला है। चिकन रेडी है, आलू रेडी है, बरिस्ता का मिक्सचर भी रेडी है। अभी हम बिरयानी को सजा लेंगे। ये कोलकाता स्टाइल आलू बिरयानी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे। लेयरिंग करेंगे चावल, आलू और चिकन का। आप चिकन की जगह सोया चंक या मशरूम ले सकते हैं। सबसे पहले चावल का एक लेयर डाला है। चावल बहुत गर्म है, ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जल सकते हैं। अगर गर्म लगता है तो आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, बट चम्मच से थोड़ा चावल टूट जाता है। इसके बाद हम आलू का लेयरिंग करेंगे। आलू और चिकन एक साथ ही होगा, चिकन हो या मशरूम हो या सोया चंक हो। चिकन भी डाल रहे हैं आलू के साथ, बरिस्ता का मिक्सचर भी डाला था और थोड़ा सा जो चिकन का ग्रेवी है वो भी हम स्प्रेड कर देंगे। अभी फिर से बरिस्ता ऐड करेंगे और फिर एक चावल का लेयर लगा देंगे। अपना हाथ बचा के करें क्योंकि चावल इस टाइम पे गर्म रहता है। चावल को वैसे आप ठंडा करके भी कर सकते हैं क्योंकि इसको फिर से हमें दम लगाना ही है, तो ठंडा होने से भी कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिकमेंडेड गरम चावल का ही करने का है। फिर से हम आलू, चिकन और बरिस्ता का एक लेयर लगा लेंगे।
दोस्तों हमने ये बिरिस्ता घी और तेल में तला है, मतलब अगर 1 चम्मच तेल दे रहे हैं तो 1 चम्मच घी। आप अगर चाहें तो सिर्फ घी में भी बिरिस्ता तल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 50-50 यूज़ करती हूँ, आधा तेल और आधा घी। और वो जो तेल और घी का मिक्सचर है उसको आप बचा के रखें, वो ये लेयरिंग के टाइम पे काम आएगा। तो हमने आलू, चिकन और बिरिस्ता का लेयर कर रहे हैं हम, और चिकन का थोड़ा थोड़ा जो ग्रेवी है वो भी हम साथ में इसमें स्प्रेड कर देंगे। फिर से लास्ट लेयर हम चावल का डाल देंगे और उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। बचा हुआ बरिस्ता का मिक्सचर भी डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा बिरयानी मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया हमने। अभी मैं जो तेल और घी का बात कर रही थी, जिसमें हमने अपना बरिस्ता तला था, वो तेल को हम ऊपर से डाल देंगे, तेल और घी। और जो दूध का मिक्सचर बनाया था, दूध, मीठा अतर और रोज़ वाटर का, उसको भी हम स्प्रेड इक्वली इवेनली स्प्रेड करके डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे हम ये दूध का मिक्सचर का 3/4 यूज़ करेंगे अभी, और बाकी के बचे 1/4 जो दूध का मिक्सचर है उसमें हम एक चुटकी कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप कलर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर डालने से थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो एक चुटकी कलर डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा होल बना के उसमें डाल देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा बिरयानी का सजावट रेडी है। अभी हम इसको थोड़ा सा लास्ट में घी डाल देते हैं और इसको ढक के दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए रेस्टोरेंट में यूजुअली आटे का आटा साइड से लगा के उसको दम लगाते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे ढक के ऊपर से कोई भी भारी चीज़ रख के उसको दम लगा सकते हैं। एकदम लो फ्लेम में दम लगाएं, ये तो नीचे से जल जाएगा। 10 से 15 मिनट इसको दम लगाएं। अब सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया सा बड़ा बड़ा चावल के साथ खुशबूदार बिरयानी रेडी है, और हम उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बिरयानी रेडी है, रेडी टू ईट है। इसको गर्मा गर्म खाएं, झटपट बनाएं, गर्मा गर्म खाएं, सैलड के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, जैसे मर्जी वैसे खाएं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो। उसके पास बेल आइकन को क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक दूसरा नया वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।